जिसके अंदर हम अपनी आवाज रिकॉर्ड होते हुए साथ साथ सुन भी सकते हैं कि हमारी आवाज कैसी रिकॉर्ड हो रही है। हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम ग्रीन एरो ड्यूल माइक के दो तीन नए फीचर्स के बारे में बनाने जा रहे हैं। वीडियो तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं इसके 15 दिन पहले, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बट आज जो हम आपको बताएंगे वो इसके दो ऐसे बेहतरीन फीचर्स बताएंगे जो कि आपको सुनकर मजा आ जाएगा। मुझे तो बहुत मजा आया, आप बताना कि आपको कैसा लगा। मैंने ये माइक लास्ट टू लास्ट वीक परचेज किया था, तो मैंने इसको जैसे यूज किया स्टार्टिंग में, तो मुझे तो इतना मजा नहीं आया कि ये मैंने क्या चीज परचेज कर ली। बट मैंने जैसे इसके ऊपर थोड़ा बहुत सर्च करा तो तब मुझे पता चला कि इसके अंदर एक इतना बेहतरीन फीचर है जो कि नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है, और दूसरा एक इसमें ये फीचर भी है जिसके अंदर हम अपनी आवाज रिकॉर्ड होते हुए साथ साथ सुन भी सकते हैं कि हमारी आवाज कैसी रिकॉर्ड हो रही है। वो फीचर इसमें बहुत अच्छा है, जो कि आप खुद सुनना, आपको खुद अच्छा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम देखो फैन चल रहा है और फैन की आपको शायद आवाज इस टाइम नहीं आ रही क्योंकि हमने नॉइस कैंसिलेशन बिल्कुल भी बंद की हुई है। बट आपको इसका हम बताते हैं कि कैसे इसको हमने करना है। ये हम अपना माइक अब इसको उतार लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे हमने यूज करना है। अब इसके अंदर ग्रीन लाइट आ रही है, ये कनेक्ट हुआ हो रखा है, इससे पता चल रहा है कि ये कनेक्ट है। अब हम इसको एक बार क्लिक करेंगे, जो इसके साइड में बटन है, तो ये एक बार ब्लिंक होएगा। और इस टाइम पे इसकी नॉइस कैंसिलेशन जो है वो कैंसिल हो चुकी है। शायद आपको इस टाइम पे फैन की आवाज़ और आसपास की नॉइस आ रही होगी। अगर आप इसको नंबर टू पे कर देंगे थोड़ी सी आपको बेटर हो जाएगा उसके अंदर। अब उसको आपको जब सेकंड नंबर पे करना है तो उसको क्या करना होगा, आपको बस एक बार और दबाना है, ये दो बार ब्लिंक होएगा। अब थोड़ी सी आपको बेटर हुई होगी, लेकिन जब मैं इसको थ्री पे करूँगा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल ही। अभी आपको एक एक बार और क्लिक करना है और ये थ्री पे हो जाएगा। थ्री बार ब्लिंक किया, अब बताओ आपको कैसी आवाज़ आ रही है। आपको लग रहा है कि इसमें कोई फ़र्क है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके अभी मुझे ज़रूर बताना। और दूसरा जो फीचर है मैं आपको वो भी बताता हूँ इसके अंदर कि क्या चीज़ है। ये जो हमारा इस इधर पोर्ट दिया हुआ है, इसके अंदर हम अपना सी केबल का, अगर कोई हमारे पास केबल है या अगर पोर्ट नहीं है, बॉक्स के अंदर भी हमें एक इसके अंदर पोर्ट दिया हुआ है जो कि हम इसके अंदर लगा सकते हैं। इस बॉक्स में जो हमें मिल रहा है वो ये चीज़ें मिलती है। एक तो ये है अगर हमारे को आईफोन में कनेक्ट करना है तो, ठीक है। दूसरा हमें ये चार्जिंग के लिए भी पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर। अगर हम इसको डायरेक्ट चार्ज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो हमें ये तीन ऑप्शन मिले हुए हैं, इसी के अंदर हम इसको इसमें ऐसे डालेंगे और ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रेड लाइट भी आएगी, देखो कि चार्ज हो रहा है ये, ठीक है। इसके नीचे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है और आपका बहुत देर चलता है, 7-8 घंटे आसपास चलेगा आपका ये। इसमें दो दो जगह दी हुई है रिसीवर के लिए, इसमें ये डालना है और यहाँ पर आपका ये जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है वो यहाँ पर साइड में डालना है, ठीक है। लगभग 20 मीटर की इसकी रेंज है, आप इतनी दूर से आप इसके अंदर बात कर सकते हो। जो हम मेन बात पर अब आते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि आप रिकॉर्डिंग करते करते भी आप सुन सकते हो अपनी आवाज़, तो आपने इसको इसके अंदर फिट करना है और उसके बाद आपने अपना हेडफोन इसमें लगा देना है। जब आप इसमें हेडफोन लगाकर अपने कान पर लगाओगे तो आप सुन पाओगे कि आप कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो कैसे लगे आपको ये दोनों फीचर्स? मुझे तो बहुत बढ़िया लगे, आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको बढ़िया लगे या नहीं लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।